हे गाइस, आर यू कंफ्यूज कि विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, फंडेड नेस्ट और या फिर फंडिंग पिप? ओके, सो आज इस वीडियो में मैं यही क्लियर करूंगा कि फंडेड नेस्ट इज बेस्ट प्लेटफॉर्म या फिर फंडिंग पिप इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फंडिंग पिप के वेबसाइट पे, सॉरी फंडेड नेस्ट के वेबसाइट पे, राइट? तो फंडेड नेस्ट के वेबसाइट पे आप अगर आके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स मिलते हैं, राइट? स्टीलर चैलेंज, एवल इंसेंट एक्सप्रेस एंड स्टीलर लाइट चैलेंज। तो अगर हम फंडेड फंडिंग पिप्स के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो, स्टीलर चैलेंज एंड स्टीलर लाइट चैलेंज। तो स्टीलर लाइट चैलेंज में क्या होता है कि आपको 5000, 10000, 25k का एंड 50k का यहाँ पे जो फंडिंग अकाउंट है आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर हम लाइट वर्जन को हटा दें, राइट, अगर हम सिर्फ स्टीलर चैलेंज पे आए तो यहाँ पे हमें 5000 के जगह 6000 का जो बैलेंस है, राइट, जो फंडिंग अकाउंट है ये आपको मिलेगा अगर आप बाय करते हो तो। ओके, तो देखते हैं कि ये हमें कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादातर इंसान फंडेड नेक्स्ट पे चूज करते हैं स्टीलर चैलेंज। ओके, एंड स्टीलर चैलेंज के बाद देखो यहाँ पे स्वैप अकाउंट एंड स्वैप फ्री अकाउंट। तो अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल हो तो आप स्वैप फ्री अकाउंट के साथ जा सकते हो, एंड अगर आपके पास लो कैपिटल हो तो रिकमेंडेड कि आप लोग स्वैप अकाउंट के साथ ही जाओ। ओके, एंड उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है कि फंडेड नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? देखो, प्रॉफिट शेयर आपको यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है, राइट, आपको यहाँ पे 15% का मिलेगा फर्स्ट फेज पास करने के बाद, राइट? एंड देखो, फर्स्ट फेज पे आपको जो टारगेट अचीव करना है, राइट, आप अगर 5000 के अकाउंट पे भी जाते हो, राइट, स्टीलर चैलेंज पे, तो भी सेम रहेगा जो चैलेंज पास करने के लिए रूल्स है। एंड अगर आप सिर्फ स्टीलर चैलेंज पे जाते हो तो वो भी सेम रहेगा। ओके, सो फर्स्ट आपको यहाँ पे 8% का जो टारगेट है, अगर आप टारगेट कंप्लीट कर ले तो 8% का आपके कैपिटल के ऊपर, राइट, फंडिंग अकाउंट कैपिटल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फेज पास कर दिया जाएगा। एंड सेकेंड फेज पे देखो जो टारगेट है वो है सिर्फ 4%। ओके, सो फर्स्ट फेज 8%, सेकेंड फेज 4%, एंड उसके बाद आप यहाँ पे मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हम डेली कितना लॉस कर सकते हैं, तो ये भी सेम रहेगा। आप यहाँ पे 4% डेली लॉस कर सकते हो अपना कैपिटल के ऊपर, एंड 8% आप यहाँ पे ओवरऑल जो मैक्सिमम लॉस है आपके कैपिटल के ऊपर 8% ही कर सकते हो। एंड अगर 8% के ऊपर आपने यहाँ पे लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट यहाँ पे वायलेट हो जाएगा, फिर आपको एक नया अकाउंट के साथ जाना पड़ेगा। ओके, अब देखो टाइम लिमिट, यहाँ पे आपको नो टाइम लिमिट देखने के लिए मिलता है। अब देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 5। ओके, लेकिन जो फंडिंग पिप्स है, राइट, फंडिंग पिप्स पे यहाँ पे मिनिमम जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है ये यहाँ पे 0 डेज है, राइट? तो एक बहुत ही अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है फंडिंग पिप्स के साथ ही। एंड यहाँ पे अगर आप ओवरऑल लॉस भी देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको 8% मिल रहा है। ओके, एंड जो डेली लॉस है यहाँ पे 4%, लेकिन अगर आप फंडिंग पिप्स पे जाओ तो फंडिंग पिप्स पे देखो यहाँ पे आपको जो डेली लॉस देखने के लिए मिलता है, राइट, डेली लॉस है आपको 5%, एंड आप जो मैक्सिमम लॉस करोगे वो है 10%। तो फंडेड नेक्स्ट से हमें यहाँ पे फंडिंग पिप्स पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज हमें मिल रहा है, राइट? अब चलो हम नीचे देखते हैं कि टाइम लिमिट नो टाइम लिमिट है। ओके, हमने देख लिया। अब देखो लिवरेज यहाँ पे 1:100 लिवरेज मिल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे फंडिंग पिप्स पे देखें तो फंडिंग पिप्स पे देखो लिवरेज आपको यहाँ पे भी 1:100 मिल रहा है, लेकिन फंडिंग पिप्स पे आपको ये भी ध्यान देना है कि देखो फोरेक्स पे ही सिर्फ आपको यहाँ पे 1:100 मिलेगा, क्रिप्टो पे 1:2, इंडाइसिस पे 1:20, मेटल्स पे 1:30 एंड एनर्जीज पे सिर्फ 1:10। ओके, एंड देखो यहाँ पे आप अगर गोल्ड पे ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1:30 ही जो लिवरेज है लिवरेज आपको मिलेगा, राइट? ओके, आपको यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग अलाउड है फंडेड नेक्स्ट पे, एक्सपर्ट एडवाइजर्स भी अलाउड है। ओके, ट्रेड कॉपियर्स, आप यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो फंडेड नेक्स्ट पे, लेकिन फंडिंग फीस पे आप यहाँ पे कहीं भी कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ओके, एंड रिफंडेबल फीस। ओके, तो देखो फंडेड नेक्स्ट पे आप जितने भी पैसे देके यहाँ पे अकाउंट बाय करोगे, राइट, एंड आप अगर वो चैलेंज पास कर लेते हो तो फर्स्ट पे आउट पे ही आपको यहाँ पे $32 रिफंड कर दिया जाएगा। एंड फंड इस पे भी आपको रिफंड मिलता है, लेकिन लगातार आपको 4 बार पे आउट लेना पड़ेगा। आपको 4th पे आउट पे ही यहाँ पे जो आपका अकाउंट बाय करने का जो प्राइस है वो प्राइस आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। ओके, सो अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे
बेनिफिट्स के बारे में एंड ड्रॉबैक के बारे में। देखो यहाँ पे आपको फंडिंग टिप्स एंड फंडिंग नेक्स्ट दो ही यहाँ पे देखो बहुत ही कम प्राइस पे अकाउंट दे रहा है, राइट। ये भी $32 का 5K अकाउंट, एंड हम अगर इधर भी देखें तो 5K अकाउंट आपको $32 में प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ये भी देखो $59 का 10K वाला अकाउंट, एंड अगर हम फंडिंग टिप्स पे 10K वाला अकाउंट देखें तो यहाँ पे देखो $60 का, राइट। तो यहाँ पे आपको 5% का कमीशन मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन करते हो फंडिंग टिप्स पे अकाउंट। तो अब देखो फंडिंग टिप्स के साथ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग फंडिंग टिप्स फंडेड नेक्स्ट के साथ जाओ, राइट। क्योंकि फंडेड नेक्स्ट पे क्या होता है कि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, आप अगर चैलेंज पास कर लेते हो तो वो लोग मास्टर अकाउंट देने में फलाना ढिमकाना ये सब आपको बहुत सारे जो क्या कहते हैं कि बहुत सारा आपको कमियां दिखाते हैं कि आपने ये रूल्स को नहीं माना, आपने इसे वायलेट कर दिया है, राइट। आप अगर पे आउट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, मान लें कि आपने प्रॉफिट कर लिया, आपको मास्टर अकाउंट भी मिल गया, एंड आप उस अकाउंट को जब अपना अकाउंट पे ट्रांसफ़र करोगे तब आपका जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, राइट, आपका जो ट्रेड हिस्ट्री है, आपका ट्रेड हिस्ट्री उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड किया है नहीं, वो सारा ग्लिच था, राइट। तो आपको ऐसे करके वो लोग पे नहीं करते या फिर आपको मास्टर अकाउंट नहीं देते। तो ये बहुत सारे इशूज आजकल फंडेड नेक्स्ट के साथ हो रहा है, राइट। एंड फंडिंग टिप्स के साथ अभी तक कोई भी इशू देखा नहीं गया है, ओके। एंड कभी अगर सर्वर वगैरह कुछ डाउन रहता है तो फंडिंग टिप्स का जो CEO है वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आप लोगों के सामने सारा कुछ ला के रखता है। डिस्कॉर्ड सर्वर पर आपको सारा का सारा अपडेट मिलता है, राइट। तो देखो आपको कौन सा पॉपफॉर्म के साथ जाना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग फंडिंग टिप्स के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि फंडिंग टिप्स पे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं मिलता है, आपको पे आउट टाइमली मिल जाएगा, आप जो चैलेंज पास करोगे आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा, आपको मास्टर अकाउंट भी मिल जाएगा, सब कुछ आप यहाँ पे। एंड सबसे जो बढ़िया बात है कि आप बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे ट्रेड लॉकर प्लेटफॉर्म मिलता है, ट्रेड लॉकर जो ट्रेड करने में आपके लिए बहुत ही आसान कर देता है, राइट। एंड फोरेक्स पे आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी यूज़ कर सकते हो ट्रेड लॉकर पे, राइट। तो आप इसका अलग से वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे कि ट्रेड लॉकर वगैरह कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। एंड उसके बाद आप लोग आगे बढ़ना, लेकिन ट्रेड लॉकर एक बहुत ही मतलब अच्छा है आज के दिन में, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिलता है फोरेक्स ट्रेडिंग के लिए, एंड वहाँ पे ही आप लोग ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट सब कुछ कर सकते हो ऑन चार्ट, ओके। सो फंडेड नेक्स्ट फंडिंग टिप्स इज वेरी बेटर देन राइट फंडेड नेक्स्ट, एंड आई विल रिकमेंड यू कि गाइज आप अगर फंडिंग अकाउंट के साथ ही फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग फंडिंग टिप्स के साथ ही जाओ। एंड उसके साथ साथ आपको अगर डिस्काउंट चाहिए, राइट, तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है फंडिंग टिप्स का, आपको मिल जाएगा। एंड आप अगर एक्सचेंज ब्रोकर पे भी ट्रेड करना चाहते हो, राइट, मतलब इंडिया का जो एक ट्रस्टेड ब्रोकर है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो वो है एक्सचेंज। आप अगर उस पर भी अकाउंट खोलना चाहते हो या फिर आप फंडिंग टिप्स के साथ जाना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। आप अगर मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इंस्टेंट 5% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। $32 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर 10 के 25 के कोई भी आप अकाउंट बाई करते हो तो इंस्टेंट आपको वहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइज, ओपन योर अकाउंट थ्रू माई लिंक, ओके। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाई।